And friends, so in this particular lecture we are going to see about the basic organic chemistry, right? तो आज के इस लेक्चर सीरीज में बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जो भी बेसिक चीज़ें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी डर लगता है। ऐसा कई सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कंप्लेन भी किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो आज हम इस लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से लेके आपका जो आईआईटी जैम का सिलेबस है, आईआईटी जैम का कंप्लीट सिलेबस मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है, इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में। और इसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊँगा। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करा जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको साथ में DPS यानी डेली प्रैक्टिस सीट, वो भी आपको मिलता रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो असाइनमेंट, दिस असाइनमेंट काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो आफ्टर एवरी लेक्चर यू विल गेट वन असाइनमेंट, और वो आपको असाइनमेंट सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेजना है। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए आप, या फिर ऐप के ग्रुप में भेजिए। तो ये लेक्चर किस किस को देखना चाहिए? दिस लेक्चर शुड बी वॉच्ड बाई CSIR नेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट, IIT जैम, DU, BHU, या फिर BSc MSc एंट्रेंस वाले जो हैं उनके लिए भी, या फिर जो अभी BSc MSc कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो चीज़ पहले समझ लेते हैं। सो पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे सबसे पहले, और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एंड देयर स्टेबिलिटी। सो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी पढ़ेंगे और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ना। तो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म वी आर गोइंग टू सी, वॉट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, वॉट आर न्यूक्लियोफाइल्स, कौन कौन से रिएजेंट्स हैं, तो बेसिक चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ IIT जैम, ठीक है। अब जैसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात करें तो इसमें कई सारी चीज़ें और भी हैं जो आपको इस लेक्चर सीरीज में नहीं कवर की जाएंगी, लेकिन वो जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का चैप्टर है उसमें कवर किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो है लेक्चर सीरीज ये बेसिक है। जब रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम कई सारे एडवांस चीज़ों को पढ़ेंगे, राइट? सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। और जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, ये कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से शुरुआत करने जा रहे हैं। सो विच आर द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू? सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे अभी इसी लेक्चर में, और आज इंडक्टिव इफेक्ट ही हम कम्प्लीट करेंगे। बाकी आई विल ट्राई टू कम्प्लीट ऑल दीज फोर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी बड़ा होगा, ये लेक्चर जो है ये लेक्चर काफ़ी छोटा मैं करने वाला हूँ, बिकॉज टुडे इज़ द फर्स्ट डे, सो आई डिडेंट गॉट सो मच टाइम, सो जिसकी वजह से लेक्चर मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो ये बाकी जो है ये चारों मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आई विल ट्राई टू कम्प्लीट दिस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद इन 3 to 4 days, राइट? बहुत टाइम जाता है आई अंडरस्टैंड, बट आपको क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट आपको सब समझा दूंगा इन 3-4 lecture में ही, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेट्स बिगन विद द टॉपिक। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज या रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड एरोमेटिसिटी। तो ये सब जो पाँच आप देख रहे हैं, इन पाँचों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में, राइट? अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन की मैं बात करूँ, सो इन एनी रिएक्शन देर आर सर्टेन थिंग्स विच इज़ कॉमन, वो चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी। पहली चीज़ ये है कि उसमें कुछ ना कुछ रिएक्टेंट रहेगा ही रहेगा, राइट? विदाउट रिएक्टेंट नो रिएक्शन इज पॉसिबल, राइट? आई होप यू आर गेटिंग। तो अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर रिएक्टेंट तो ज़रूर ही होगा। तो रिएक्टेंट में क्या क्या हो सकता है? सब्सट्रेट हो सकता है, और एक हो सकता है रिएजेंट हो सकता है, राइट? सब्सट्रेट का मतलब मान लीजिए जैसे हमारे पास हो गया, जैसे अगर हम ले लें लाइक अल्कोहल, है ना, अल्कोहल एक सब्सट्रेट हो गया हमारा।
अगर रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट में जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया है HCl ले लिया है, ठीक है, HCl ले लिया है रिएजेंट के तौर पे। तो ऐसे ही करके हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ सब्सट्रेट रहेगा, कुछ ना कुछ रिएजेंट रहेगा, एंड देयर विल बी ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज द सॉल्वेंट एंड द कैटलिस्ट। किसी किसी रिएक्शन में ये दोनों रहेंगे, किसी में नहीं भी रह सकते, राइट। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की मैं बात कर रहा था, पांचों, ये पांचों ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। वरना क्या होगा कि मान लीजिए जैसे मेरे पास, मान लीजिए कि जैसे मेरे पास ये एक कंपाउंड हो गया, ठीक है, ये क्या है, इथेन है। अगर मैंने इथेन में मान लीजिए HCl डाल दिया, इथेन में HCl डाल दिया, तो क्या क्या पॉसिबल है, पॉसिबल CH4+, मान लीजिए ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया एक, है ना, तो क्या बन गया, इधर एक हाइड्रोजन लग गया, इधर एक Cl लग गया, तो CH4+ CH3Cl बन गया, पहला कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है। मान लीजिए मैंने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच को बॉन्ड को तोड़ दिया, तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है, CH3 CH2 CH3 CH2 Cl प्लस H2। ये H इधर से निकल जाएगा। तो अभी आप बताओ कि कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, ये जैसे दिस इज़ वन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल था कि ऐसे रिएक्शन में, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उसको डिसाइड कौन करेगा, उसको डिसाइड ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ही करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की मदद से वी कैन प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, और जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म है उसकी मदद से भी हम प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। बट रिएक्शन मैकेनिज्म इज इनकम्प्लीट विदाउट द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। एंड इन द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट द फर्स्ट इफेक्ट विच वी आर गोइंग टू लर्न इज द इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात मैं आपसे करूं कि मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3F, इफ वी हैव दिस कंपाउंड CH3F है हमारे पास। अब अगर मैं बात करूं आपसे तो कार्बन और फ्लोरीन जो आप देख पा रहे हैं, कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूं तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स योर आंसर विल बी फ्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, पहले आप बताइए। सो व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिखा तो वो उसको अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस कार्बन से, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगेगा। अब फ्लोरीन और कार्बन के बीच तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मान लीजिए फ्लोरीन और कार्बन के बीच ये इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगेगा। जब फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, हमने क्लास 7th या 8th में पढ़ा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। तो अगर फ्लोरीन ले रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव विल बी ऑन द फ्लोरीन, और कार्बन की कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके लिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड दिस टेंडेंसी व्हेन देयर आर टू एटम्स एंड वन हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो व्हाट इट डज, इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, और इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसी इफेक्ट को, कि अगर एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अपनी तरफ खींच लेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब सी, मैंने यहाँ पे देखिए कार्बन की चेन जो है उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। अगर कार्बन की चेन को मैं बड़ा कर दिया हूँ तो एक बात बताइए, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है ना, ये इसी डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहा। तो फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। अब ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना,
तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया डेल्टा पॉजिटिव। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, डबल डेल्टा पॉजिटिव लिख दिया, इसके ऊपर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव लिख दिया। तो इस तरीके से काम करेगा। मतलब ये फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पहले वाले कार्बन से, तो स्ट्रांगली खींचेगा इसको, लेकिन दूसरे वाले में कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, फिर तीसरे तक और वीक, चौथे तक निग्लेजिबल हो जाएगा इसका इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो बढ़ रहा है ना। जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, इफेक्ट कम होएगा ना, इफेक्ट कम हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि दिस इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट फिनोमेन, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है ये। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये काम नहीं करेगा, अगर डिस्टेंस कम है तो ये काम करेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हम लोग क्या देखें कि कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। सो इज इट पॉसिबल दैट इज इट पॉसिबल कैन कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज ऑल्सो, कि कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव भी आ सकता है क्या? अगर आएगा तो कैसे आएगा, लेट्स अंडरस्टैंड। राइट, देखिए, अगर मैं कोई मेटल लेके कार्बन के साथ कनेक्ट कर दूँ, मेटल लेके हमने कार्बन के साथ कनेक्ट कर दिया, सो ये क्या कर रहा है? तो मेटल क्या करते हैं, मेटल हैज ऑलवेज, मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, है ना। मेटल की टेंडेंसी हमेशा से यही रहती है कि वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। राइट, दे आर ऑलवेज डोनर्स। तो क्या होगा कि मेटल यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, जब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो जो देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव। और कार्बन क्या कर रहा है, ले रहा है, जब ये लेगा तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ रहा है। तो ये चीज़ आप फिक्स मत मान के चलना कि इसने कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव ही आएगा, बाकी जो लगाएंगे हम उसके ऊपर डेल्टा निगेटिव आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ये नहीं देखता कि कौन कार्बन है, कौन ऑक्सीजन है, क्या है। जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उधर हम लगाएंगे डेल्टा नेगेटिव साइन, और जिधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको हम लगाएंगे पॉजिटिव साइन। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी गॉट फ्रॉम दिस, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी कि पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द इट इज़ द परमानेंट इफेक्ट, मतलब ये हमेशा काम करता ही रहेगा, है ना। जब तक दोनों के बीच में पोलैरिटी मेंटेन है तो ये हमेशा काम करेगा इंडक्टिव इफेक्ट। राइट, ये परमानेंट है। दूसरा चीज़ क्या इंपॉर्टेंट पता चला है कि इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट, कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो ये काम नहीं करेगा। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी गॉट टू नो इज द इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रो निगेटिविटी, कि ये इलेक्ट्रो निगेटिविटी पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, द फर्स्ट वन इज प्लस आई इफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमारे पास जो भी फंक्शनल ग्रुप है, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, उनके केस में क्या होता है कि किसी की पावर ज़्यादा होगी और किसी की पावर कम होगी, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन को अच्छे से दे सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन को अच्छे से ले सकता है, तो ये चीज़ डिपेंड करेगा, है ना। तो इसके ऑर्डर को हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम और इसको कंटिन्यू करते हैं, इसके एप्लीकेशन पार्ट पे चलेंगे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना कि प्लस आई क्या होता है और माइनस आई क्या होता है। तो प्लस आई इफेक्ट वह इफेक्ट है, दिस इज द दैट काइंड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके केस में क्या होता है कि एक एलिमेंट डोनेट कर रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कार्बन और फ्लोरीन की, है ना। तो कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन क्या कर रहा था, ले रहा था, सो फ्लोरीन क्या शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, यानी कि यह हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। और कार्बन क्या करेगा, कार्बन हैज ऑलवेज टेंडेंसी टू, यहाँ पे इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि ये दे रहा है। जब ये दे रहा है तो मतलब क्या हो गया, ये प्लस आई शो करेगा। तो वही ये चीज़ हो गई कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जो मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस में हम ये चेक करेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर प्लस आई आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर माइनस आई आएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया।
आ गया होगा। अब प्लस आई इफेक्ट में हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या है, मतलब कौन देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखता है, उसको हम समझते हैं। तो देखिए, अगर देने में बात करें तो CH2- इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर हमारे पास है NH2-, देन वी हैव O-, देन वी हैव C-O-, फिर हमारे पास है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकेटायन, राइट। और ये क्या है, दिस इज द 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड दिस इज द 1 डिग्री कार्बोकेटायन, राइट। इसके बाद हमारे पास है CT3 है, दिस इज CT3 है, और फिर हमारे पास है CD3, यानी ये टी क्या है, ट्राइटियम, और डी क्या है, ड्यूटीरियम, है ना। तो और फिर हमारे पास CH3 है, फिर ट्राइटियम, प्रोटियम, और फिर हाइड्रोजन। तो ये तीनों क्या है, एक ये तीनों आइसोटोप्स हैं, बराबर, ये तीनों आइसोटोप्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट चलते हैं हम माइनस आई इफेक्ट में। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, देखो ये हमने क्या बोला इधर, ये OH जो है OH माइनस आई शो करता है, बट जो O माइनस है, O माइनस क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इट हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ माइनस आई इफेक्ट तो आपको समझा ही होगा, मैंने बताया कि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, यानी कि जो भी एटम या फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं या ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑर्डर चेक कीजिए, ऑर्डर में क्या है, ओ एफ टू है, ओ एफ टू यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचेगा। फिर हमारे पास है ओ आर टू, फिर है NF3, फिर है NCl3। ध्यान दीजिए, NF3 यानी F की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। NCl3 उससे कम है, इसके लिए ये थोड़ा पीछे आ गया। फिर है हमारे पास NR3, फिर है NH3, फिर NO2, SO3H, फिर CN, फिर COCl, फिर CHO, फिर कीटोन, फिर एसिटिक एसिड। फिर हमारे पास OR, OH, और फिर है अल्काइन, फिर है NH2, फिर फिनाइल, फिर है अल्कीन, राइट, माइनस आई फैक्ट में। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये है पहला NR3 और NH3 के बीच में, कि NR3 पहले कैसे चले गया, और यहाँ पे OR और OH के बीच में कि OR पहले कैसे चला गया, यानी OR का माइनस आई क्या क्यों ज़्यादा होगा, जबकि R मतलब क्या, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप यूजुअली लगा होगा। अगर यहाँ पे ध्यान दो कि अगर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो अल्काइल तो ऑलरेडी प्लस आई देगा ना, तो अल्काइल दे रहा है नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज थोड़ा न्यूट्रलाइज होगा, यानी कि क्या होगा, न्यूट्रलाइज अगर हो रहा है, आप ऐसे समझो इसको, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये तीनों आर अपना थोड़ा थोड़ा डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, जब ये न्यूट्रलाइज होगा तो ये इधर खींचेगा नहीं ना उतना स्ट्रांगली एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि हाइड्रोजन तो नहीं, हाइड्रोजन तो प्लस आई तो नहीं शो कर रहा है, आर तो कर रहा है, लेकिन क्या होता है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ये आर जो लगे हुए हैं ये एक्चुअली बल्की ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन हो जाता है, मतलब नाइट्रोजन और आर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो आर है इट कैन नॉट डोनेट स्ट्रांगली, मतलब आर अपने न्यूट्रॉन्स को नाइट्रोजन के पास दे ही नहीं पाता है, बिकॉज रीजन क्या है, डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द नाइट्रोजन एंड आर यानी अल्काइल ग्रुप इज टू लॉन्ग, है ना, तो इसमें ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअली आर का जो प्लस आई है वो काम ही नहीं करता, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन खींचता ही है ना, तो नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करने लगता है। तो ये था इसके बीच का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओ आर और ओ एच के बारे में, तो ओ आर और ओ एच के बारे में भी सेम है, इसके इसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ना वो बढ़ जाता है, तो आर का जो प्लस आई है ये काम नहीं करता, जब ये काम ही नहीं करेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन एक्चुअली खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था। सेकेंड की अगर हम बात करें, सो सेकेंड सीज कि बॉन्ड एंगल, सो बॉन्ड एंगल
बिटवीन ओ आर एंड ओ एच में अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो ओ आर के बीच का जो बॉन्ड एंगल है ना वो ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। और परसेंटेज एज कैरेक्टर अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो बॉन्ड एंगल ओ आर के बीच का ज़्यादा है बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ओ और आर के बीच रिपल्शन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा हो जाता है। तो वही चीज़ है कि फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड और सेकेंड एक्सप्लेनेशन है रिलेटेड टू बॉन्ड एंगल। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बट प्लीज रिमेम्बर फिनाइल ग्रुप शोज माइनस आई इफेक्ट। फिनाइल ग्रुप माइनस आई यूजुअली शो करता है, ठीक है? क्या फिनाइल ग्रुप प्लस आई भी शो कर सकता है क्या? यस इट कैन, लेट्स सी हाउ। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप ले लिया हमने और NO2 ग्रुप ले लिया, अभी तो नाइट्रोजन क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन सॉरी फिनाइल ग्रुप यूजुअली यहाँ पे प्लस आई दिखा रहा है, यानी कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। आई बात समझ में? तो दिस इज द थिंग एक्चुअली यू शुड नो। अगर मैं इधर एक मिथाइल लगा दूँ फिनाइल के साथ, इफ आई अटैच वन CH3 ग्रुप, तो CH3 इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा नेगेटिव आने का मतलब क्या है, माइनस आई हो गया। अभी ये माइनस आई भी शो कर रहा है, प्लस आई भी शो कर, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे आप हमेशा ध्यान देना, जिसकी वजह से आपको एकदम बराबर से समझेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा। फॉर दैट यू शुड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द अप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब अप्लीकेशन पार्ट की बात करते हैं, अप्लीकेशन पार्ट में फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, फिर फ्री रेडिकल, एंड देन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो सबसे पहले देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारे पास है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री और ये है मिथाइल। राइट, तो देखिए क्या हो रहा है कि मिथाइल ग्रुप जो है, दिस मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा, है ना? जैसे हमको भूख लगी है, अगर हमको खाना मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, तो वही चीज़ इसके भी है, पास भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इट नीड्स मोर इलेक्ट्रॉन, बट कौन देगा, मिथाइल देगा। तो मिथाइल क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा दे रहा है, अभी तीन तीन हो गए, तीन तीन डोनेशन करने वाले हो गए, है ना? जब तीन तीन लोग डोनेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये जो पॉजिटिव है इसकी जो भूख है वो तो मिट जा रही ना, एक रोटी इसने दिया, एक रोटी इसने दिया, एक रोटी इसने दिया, तो इसका भूख समाप्त हो गया, तो ये खुश हो जाएगा। तो जिसकी वजह से वही चीज़ है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बिकॉज थ्री मिथाइल्स आर डोनेटिंग ओवर हियर, थ्री मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, एंड बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, एक्चुअली कार्बन पे क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो थ्री डी, अभी इधर देखो दो ही ये लोग हैं, एक हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन दे नहीं दे रहा है, तो अभी ये दोनों ही आ गए, तो जिसकी वजह से 3 डिग्री से कम स्टेबल होगा थोड़ा, है 2 डिग्री। फिर अभी तो इधर एक ही है, इधर दो दो हाइड्रोजन आ गया, तो मतलब ये थोड़ा और कम स्टेबल होगा, इधर तो एक भी नहीं है, मतलब ये बेचारे को कोई पूछ नहीं रहा है ना? सो नो वन इज देयर टू हेल्प दिस कार्बन, तो बात ऐसी होती है। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करते हैं। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में देखो, तीन तीन मिथाइल दे रहा है, अभी इस कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, अब बहुत ज़्यादा है तो फिर और दोगे तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा ना। जैसे अगर भूख लगी हुई है, उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, फिर भी उसको ओवर डोज दिया जाएगा तो तबीयत खराब होगी उसकी, तो वही चीज़ इधर भी है, इस कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मिथाइल फिर भी ज़बरदस्ती दे रहे हैं इसको, तीन तीन मिथाइल, तो क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अभी फिर इसकी, अब देखो इधर कोई नहीं देने वाला है, ये खुश है क्योंकि इसको नहीं चाहिए किसी से कोई हेल्प, है ना? तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा, फिर ये, क्योंकि इधर एक है खाली,
इधर दो दो लोग हैं, इधर तीन तीन लोग हैं, तीन तीन लोग उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बराबर। तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन लोग देंगे तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी विल शिफ्ट टू अस दिस साइड। सो मिथाइल कार्बनायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बन है, राइट। तो कार्बोकेटायन में उल्टा था और इसमें अलग है, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। अभी फ्री रेडिकल के केस में क्या होगा वो ध्यान से। फ्री रेडिकल के केस में क्या हो रहा है कि एक्चुअली इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है कार्बन के पास, है ना। कैसे कम है? दो दो चार दो छः एक सात, एक इलेक्ट्रॉन कम है बेचारे के पास। अब एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको और चाहिए, तो ये तीन मिथाइल अगर डोनेट करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा स्टेबल फील करेगा ना। तो वही ये ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि 3 डिग्री मोर स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है, दो दो मिथाइल लगे हुए, फिर 1 मिथाइल है यानी 1 डिग्री, फिर मिथाइल रेडिकल। तो ये हो गया। नाउ लेट सी द इंडक्टिव इफेक्ट इन द रिंग कंपाउंड। सो इन रिंग में क्या होता है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? परसेंटेज एज कैरेक्टर के। अगर परसेंटेज एज कैरेक्टर ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। अभी इसमें देखो आप, इसमें बॉन्ड एंगल क्या है, इसमें बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा होगा इसके इसके बीच का, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का। इसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा कम है, इसमें बॉन्ड एंगल और कम है, इसमें बॉन्ड एंगल और कम है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर देखो एंगल, इधर एंगल छोटा है तो बाहर बड़ा होगा, इधर उससे बड़ा है तो बाहर और थोड़ा छोटा होगा, इधर और बड़ा है तो बाहर थोड़ा और छोटा होगा, इधर और ज़्यादा बड़ा है, तो जिसकी वजह से ये ऑर्डर है। सो ये जो आप देख रहे हो दिस वन साइक्लोप्रोपेन, इसमें माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि उसका परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। लाइक दैट इफ वी कंपेयर फॉर द अल्काइंस, सो अल्काइंस के केस में सबसे ज़्यादा है परसेंटेज एस कैरेक्टर, फिर है हमारे पास अल्किन्स, देन वी हैव अल्केन्स, ठीक। ये ऑर्डर तो आपको पता ही होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी अबाउट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अभी हम बात करते हैं कि एसिड होते क्या है, एसिड किसको बोलते हैं। तो एसिड उस कंपाउंड्स को बोलते हैं जो एक्चुअली एच प्लस देने की क्षमता रखते हो। तो अगर कोई एच प्लस दे सकता है तो उसको हम बोलेंगे कि एसिड है। एसिड डोनेट्स एच प्लस, जो एच प्लस देगा उसको हम बोलेंगे कि वो एसिड है। अभी आप एसिडिटी को इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे डिसाइड करोगे उसको हम समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है एग्जाम्पल क्लोरोएसिटिक एसिड का, और हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड, ठीक। अभी देखिए क्या होगा इसमें। अगर इसके केस में बात करो तो ये सीएल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी इस ऑर्डर में चलेगा, कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मान लीजिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, CH3 कर दे, यानी ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अब एक बात बताइए, अगर मैं ये COOH का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो अगर मेरे को यहाँ से H प्लस निकालना है तो इफ़ आई हैव टू रिमूव दिस H प्लस, तो यहाँ पे ये O माइनस हो जाएगा बराबर। तो अगर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का मुझे बॉन्ड अगर वीक करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, इसके मैं बॉन्ड लेंथ को बढ़ा दूँ, या फिर कुछ ऐसा कर दूँ कि ऑक्सीजन से मैं इलेक्ट्रॉन को दूसरी ओर खींच लूँ, मैं खींच लेता हूँ इसको अपनी तरफ, ताकि ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। क्यों वीक हो जाएगा? बिकॉज अगर ये पोलारिटी नहीं रहेगी, मतलब अगर नेगेटिव इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये उसको खींच नहीं पाएगा ना, तो खींचेगा कम, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन आराम से निकल सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब ऑक्सीजन पे हम लोग और इलेक्ट्रॉन देते चले जा रहे हैं, जब देते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ और कम कर देगा, मतलब ये इसको खींचेगा अपनी ओर, खींचेगा ऑक्सीजन,
है ना, जब अपनी ओर खींचेगा तो जाने नहीं देगा, लेकिन इसके केस में क्या है, खींच नहीं पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन को ऑलरेडी कोई और खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन। तो ये रीज़न है, तो इसीलिए कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शनल ग्रुप लगा देंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शनल ग्रुप या कोई भी एटम पर्टिकुलर, तो क्या होगा उस केस में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इस केस में क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच प्लस आराम से निकल जाएगा, ये बाहर चले जाएगा, लेकिन इधर बाहर नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना, ये ऑक्सीजन पे जब ये बढ़ रही है तो इसको जाने नहीं देगा, लेकिन इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जब कम होगा तो आराम से जा सकता है। सो इसमें ऑर्डर क्या होगा, ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। अब जैसे और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ इस तरीके से है सी डबल यू एच आई, बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं अभी। इसमें सिंपल आप इसको एग्जांपल कंसिडर करना, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह अभी कुछ मत लगाना, आगे हम बात करेंगे उस सब के लिए, ठीक है। अब सिंपल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे सीएल लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया। अभी आप बताओ कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ये सीएल अपनी तरफ खींच लेगा ना, जब ये खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही एसिडिक हो जाएगा। तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, इधर कोई नहीं है खींचने वाला, तो ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। अभी पोजीशन हम चेंज कर देते तो भी बदल सकता था, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट पोजीशन पे मैंने आपको बताया था डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो वो कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास ये था, अगर सीएल हम इधर लगा देते और अगर हम सीएल इधर लगा देते तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होता है, ये देखो नज़दीक आ गया ना, इधर दूसरे कार्बन पे ही है, इधर से तीसरे कार्बन पे है ना, तो जब दूसरे कार्बन पे आ गया मतलब नज़दीक हो गया, जब नज़दीक हो गया तो और अच्छे से खींचेगा, तो मतलब ये वाला ज़्यादा ही एसिडिक होगा इन नेचर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और हम बात करते हैं बेसिसिटी के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे बेसिसिटी के बारे में, बेसिसिटी समझ लेते हैं क्या होता है। बेसिसिटी यानी पहली चीज़, तो या तो वो OH माइनस आयन देना चाहिए बाहर, या फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता हो। अगर कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जैसे कि NH3, जैसे कि NH3 NH3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है बाहर, इसके लिए ये बेसिक हो गया। तो जो भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो एक्चुअली इस कैटेगरी में आएंगे। तो उसके बारे में भी बात करते हैं कैसे काम करता है, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास है ये हो गया मिथेनामाइन और इथेनामाइन की बात करें तो ध्यान दीजिए NH2 रहेगा, तो ये क्या करेगा, CH3 इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन ये दोनों इधर से दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन ये देंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो जिसकी वजह से ये वाला और इजीली दे सकता है, जब रहेगा तब तो देगा, जब नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा। तो वही चीज़ है कि इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ पे हमने लगा दिया सीएल CH2 NH2, अब बताओ मेरे को कौन सा इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेसिक है, तो सीएल क्या कर रहा है, खींच रहा है इधर, अभी उल्टा हो गया, अभी ये इसके पास जो था वो भी जा रहा है इसका, तो ये दे नहीं पाएगा, जब देगा नहीं तो ये कम बेसिक हो जाएगा, मतलब ये वाला जो है ज़्यादा बेसिक होगा, फर्स्ट वाला है ना मिथेनामाइन, सेकेंड वाला जो है वो नहीं होगा क्लोरोमिथेनामाइन, तो ये वाला मिथेनामाइन ज़्यादा ही बेसिक होगा इनमें, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें बहुत बेसिक थी, ये आपको जानना ज़रूरी है, और आपको कई सारे कई सारे नहीं एक असाइनमेंट, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा रिगार्डिंग द दिस इंडक्टिव इफेक्ट, राइट।
अभी इसके बाद आता है एक डीएनपी रूल बोलते हैं उसे, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। अब डिस्टेंस नंबर पावर रूल क्या है? डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, एन स्टैंड्स फॉर नंबर, पी स्टैंड्स फॉर पावर, पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी डिस्टेंस मतलब कितना दूर है वो, यानी लेंथ मैं बोल सकता हूँ, और नंबर मतलब क्वांटिटी से है, क्वांटिटी से भी है, और दूसरा चीज नंबर का मतलब वो है पोजीशन से भी है। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है और पोजीशन क्या है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला चीज अगर आपको कुछ चेक करना है तो वो आपको चेक करना है डिस्टेंस, चेक करना है कि डिस्टेंस अगर बराबर रहेगा, मतलब डिस्टेंस जितना नज़दीक रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर डिस्टेंस ही दूर हो गया तो कितना भी पावर रहे उसका, कितना भी पावर रहे लेकिन दैट विल बी नेग्लेजिबल, मतलब वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने लगा दिया बी आर है ना, सी डबल ओ एच, और इधर मैंने लगा दिया सी एच टू एफ, अभी इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? एसिडिक ये वाला हो जाएगा क्योंकि ये नजदीक है ना सी डबल एच के, ये तो बहुत दूर हो गया इधर से, तो इसका काम ही नहीं करेगा कुछ। तो आपको डिस्टेंस पहले देखना है, तो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू सी इज द डिस्टेंस, यू हैव टू सी डिस्टेंस ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। तो ये वाला जो है ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, दिस विल बी लो एसिडिक। ठीक है, तो डिस्टेंस पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, डिस्टेंस नंबर पावर का। अब नंबर की भी बात कर लेते हैं, तो नंबर की बात ये भी थी, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड पे है, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ पे है, तो मतलब पोजीशन की बात हो गई। और दूसरा नंबर की बात अगर हम करें तो जैसे हमने यहाँ पे दो बी आर लगा दिया है ना, दो बी आर लगा दिया, अब दो बी आर लगाया तो क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो मतलब यही ज़्यादा एसिडिक होगा। अब पावर की बात तो हम कर ही चुके हैं कि पावर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अगर सेम पोजीशन पे होते, सेम पोजीशन पे होते जैसे कि सी एच टू एफ, सी डबल ओ एच, यहाँ पे मैंने लगा दिया सी एल एच टू सी, सी डबल ओ एच, यहाँ पे मैंने लगा दिया बी आर एच टू सी, सी डबल ओ एच, अब बताओ कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? फर्स्ट वन, बिकॉज पावर इसकी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दीज टू, बिकॉज फ्लोरिन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एज कम्पेयर टू क्लोरिन एंड ब्रोमिन, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? सो यू शुड नो, रिमेंबर ओनली दिस मच, डी एन पी, सो डी एन पी याद रहेगा तो फटाफट कर लोगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहीं पर होता है समाप्त, एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द रेजोनेंस इफेक्ट। But before that, for this lecture, I am going to provide you assignment. ठीक है, तो assignment का नाम क्या रहेगा? GOC, GOC 1.1, ठीक है, तो GOC 1.1 रहेगा नाम इसका, तो इसको आप लोग सॉल्व करना, प्लीज सॉल्व दिस वन एंड Let me know. For any queries, call on this number or message on this number. ठीक है, and please download the AK Academy app and also share with your friends. Or you can also visit to our website for the free content, free study material. Dot in. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।